शर्मा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कार्तिक शर्मा ने जो फार्म भरा है उसमें 300 कुछ करोड़ की आय दिखाई है, दिखाई है कि नहीं दिखाई है? उसने भी पैसा दिया। जेजेपी वाले तेरी ख्याल में बिके नहीं होंगे, ये बिना पैसे वोट डाल के आए? मैंने आरोप लगाया था अभी, ये पैसों से बिक करके वोट डाल करके आए, कोई एक भी उनमें से आकर के कहे कि हमने नहीं लिए पैसे? फिर मैं बताऊँगा कि कितने कितने पैसे तुम्हें मिले और किसने दिए। कोई एक आदमी बिका हो तो मैं कहूँ, यहाँ तो सारे बिके वो माल है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे 100 करोड़ लगते हैं विधानसभा में, वो बेचारा झूठ थोड़ा ही कहता था। एन सही बात कही थी उसने कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 100 करोड़ खर्च करना पड़ता है। ये खेल हो नहीं रहा किस तरह से लोग जो है आज, तुम लोग सारा दिन ये बात नहीं करते कि कौन कौन सा बिक गया? सारा दिन करते हो। अभी मुझे कल ही पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस के 3 बिक गए, हर तीनों के नाम रिजल्ट आने दें, अगर बिका हुआ माल होगा तो मैं पिछली बार क्या हुआ था। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का अपना वोट, अभी मैंने किरण चौधरी की स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो कह रही थी कि मैंने तो अपनी पार्टी का जो आदेश था उसकी पालना करी थी, पिछला चुनाव में भी आर के आनंद को वोट दिया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम ये बताया कि मैंने अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ा था, उसने तो अपने जो पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश था उसको भी नहीं माना था। तो फिर जब इतना सीनियर आदमी इस तरह के काम करेगा तो फिर दूसरे विधायक क्या करेंगे? दूसरे भी तो वही काम करेंगे। वो कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को ये कैसे कह सकता है कि तूने पार्टी की बात को नहीं माना? अगला सामने खड़ा होकर कहेगा तूने कौन सा पार्टी का आदेश की पालना करी थी, तैने भी तो पार्टी का उल्लंघन करने का काम किया था। तो ये कांग्रेस ही जो है, जो इनके बड़े लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास और भरोसे वाली बात रही नहीं। लेकिन जो पिछला राज्यसभा का चुनाव था उसके बाद लोगों का एमएलए के ऊपर से विश्वास उठ गया। पिछले चुनाव में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी ने पेन बदल करके, शाही बदल करके जिस तरह से खेल किया, इस चुनाव में अब की बार उससे भी ज्यादा है विश्वास पैदा हो गया। ये कमाल की बात नहीं है कि एमएलए को रिजोर्ट में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है, कि भेड़ बकरियां हैं। जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी की वजह से जीत करके आया, अगर उसी पार्टी के नेताओं को अपने एमएलए पे भरोसा नहीं होगा तो फिर आम जनता का क्या होगा जिसने उनको चुन करके भेजा, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया? बड़ी हैरानी की बात है, पहले रिजोर्ट में ले जा करके बंद किया जाता है, और अकेले विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के नहीं, सत्ता पक्ष वाले भी सारे के सारे, सत्ता पक्ष के लोगों पे भी पार्टी को जो सत्ता में है उसको विश्वास नहीं है कि तुम्हारे एमएलए कोई खेल ना कर जाए, तुम्हारे एमएलए कल को कोई हॉर्स ट्रेडिंग में बिक ना जाए। मतलब हैरानी है, अगर एमएलए बिकेगा, एमएलए पैसे लेगा, तो फिर जिन्होंने एमएलए को बनाया है वो लोग कहीं पे ये खड़े होकर के कैसे कहेंगे कि हमने इनको विधायक चुन करके भेजा था, ये हमारे भरोसे लायक लोग हैं? विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, दोनों ने बाड़ेबंदी करी, लिखा जाता है अखबारों में बाड़ाबंदी कर रखी है, क्यों भेड़ बकरी है जो बाड़ाबंदी है? फिर इनको कस्में खिलाई जाती है, लोटे में नमक डलवाया जाता है, किसी को अपने धर्म की कसम खिला करके लाया जाता है।